ये बना रही है अदिति आज, क्या बना रही है, चीला, और वो भी अदिति बना रही है। और देखो गंदा भी कर दिया, उतना तो होता है, चलो कुछ नहीं है, सीखेगी थोड़ा, अच्छा है, संडे है ना इसलिए अदिति बना रही है। कौन बनाएगा? आज अदिति के हाथ के मुझे चीले नहीं खाने वाले हैं हम ओके लोग। ये अभी फूला नहीं है बेटा, फूलने से क्या पड़ता है। अदिति का बैटर अभी फूला नहीं है, मतलब बैटर तो फूल गया लेकिन अभी चीले नहीं फूल रहे। अभी इसमें इसने बेकिंग सोडा नहीं डाला, मतलब थोड़ा सा 1 पिंच, तो वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर दे इसको। तो अभी अदिति सीख रही है कुकिंग। मुझे आती है। चल तो चल, अच्छे से फैला, हाँ ऐसे हो मालूम गया। हाँ देखा देखा, थोड़ा सा इस साइड से और सेक इसको, अभी एक साइड अच्छे से सिकी नहीं है। ये बन गया अदिति का चीला, ये थोड़ा बेकिंग सोडा डालने के बाद में अच्छा बना है फूल के। और अभी इसको हम टेस्ट करेंगे, है अदिति टेस्ट करो और बताओ कैसा है। अच्छा है, बट थोड़ा सा ड्राई है। है ना, इस वजह से आराम से आराम से, इतना काफी है, बस अभी रुक मिक्स कर ले, ये थोड़ा सा हल्का सा। आज अदिति क्या बना रही है? फ्रेंच फ्राइज। कभी कभी तो अदिति बनाती है और मेरे वीडियो बनाती है। ये अदिति की रेसिपी है। चलो भाई कैसे कैसे बनाएगी अभी दिखाएंगे अदिति की रेसिपी फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ पे अदिति ने इसमें कॉर्न फ्लोर, मतलब कॉर्न स्टार्च आता है, वो डाल लिया है, और इसमें नमक थोड़ा और कलर, तो वो तीनों चीज़ ऐड करके थोड़ा हल्के हाथ से मिक्स कर रही है। पहले थोड़ा कलर डाला था तो मैंने बोला थोड़ा कम है तो थोड़ा सा और ऐड करो, तो इसलिए आज इसका मन था बनाने का, मैंने कहा ठीक है हल्का गीला करो कि सूखा एकदम से मिलता नहीं अच्छे से, ड्राई ज़्यादा है। अब यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें अदिति अपनी फ्रेंच फ्राई फ्राई कर रही है। ये देखिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था उसने, फिर बनाने स्टार्ट कर दी थी फ्रेंच फ्राई। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अभी इनको फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेगी नैपकिन पेपर के ऊपर। मैं कुकिंग इससे अभी कराती नहीं हूँ क्योंकि अभी इसका 12th है, पढ़ाई का टाइम है, तो इसलिए काम वगैरह घर का नहीं कराती। इसका कभी कभार मन होता है तो कुछ कर लेती है, वरना नहीं कराती मैं। अब इसके ऊपर डाल रही है पैरी पैरी, हल्का सा सॉल्ट, और इन तीनों चीज़ों को, और चिली फ्लेक्स, और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अभी खाएगी और आपको बताएगी कैसा है। कैसा है? क्रंच नहीं है, बस थोड़ा सा क्रंच इसलिए होता नहीं है क्योंकि इसका मैंने फ्रिज में नहीं रखा। आज हम एक DIY बनाने वाले हैं, वो भी खाली डब्बे से, और रियूज हो जाएगा, और उसमें हम एक प्लांटर बनाएंगे बेसिकली। उसमें पानी में डाल के उसमें कोई भी आप प्लांट रख सकते हैं या फिर किचन में यूज कर सकते हैं, तो फटाफट इजिली बन जाएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने खाली डब्बा रसगुल्ले का डब्बा ले लिया है धुल के, सुखा के एकदम। तो अभी हमने क्या की, किले लिए, मुझे ये वाली किले मिली, वाइट वाली नहीं मिली। तो अभी क्या करेंगे, इसमें से हम थोड़ी सी किले तोड़ेंगे और इसका गोला बनाएंगे इस तरीके से, जैसे लोई आटे की बनाते हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा पाउडर डाल के इसको हम बेल लेंगे, आप या तो बेलन से या किसी से भी बेल लें, मैं बेलन से बेल रही हूँ, ये देखिए। और इसे ना हम रोटी से मतलब मोटा रखेंगे, रोटी जैसे ज़्यादा पतला रखते थोड़ा सा रोटी से मतलब मोटा रखेंगे। और ये देखिए आप लंबा लंबा बेल लें, राउंड जैसा भी आपको बेलना है, मेरा राउंड हो गया है। तो इसकी चारों तरफ से मैं इसके मतलब इसको कट कर लूँगी और इसको चौकोर कर लूँगी, ताकि हमारी जो हम इसके क्या ईंट जैसी बनाएंगे तो एक सार आ जाए एकदम। दोनों साइड से इसको कट कर लेंगे, अब लंबा लंबा कट करेंगे चाकू की मदद से, और इक्वल साइज के, अगर आप इक्वल नहीं काट पाते हैं तो इनको नाप के भी काट सकते हैं, किसी मतलब स्केल वगैरह के से बराबर बराबर साइज में कट कर सकते हैं। अगर आइडिया से थोड़ा कर लेते हैं तो ठीक है, इस तरीके से इसको कट कर लेंगे और इसकी ईंट जैसे होती है उस तरीके से काटेंगे।
आपको कोई थोड़ा छोटा बड़ा लगता है तो उसको हटा के दोबारा से रोल करके बेल लें, और एक सार बेलना है, मोटा पतला भी नहीं रखना है। तो इसी तरीके से हम सारे कट कर लिए हैं मैंने। और अभी एक ग्लू लेके फेविबॉन्ड मैं इसको चिपकाऊंगी इसके ऊपर। ये देखिए फेविबॉन्ड है, आप मतलब फेविबॉन्ड या फिर आपके पास क्विक फिक्स भी आती है, लेकिन क्या है वो जल्दी फिक्स करती है, तो ये फेविबॉन्ड है कि ऊपर नीचे होता है तो इससे अच्छे से हो जाता है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 20-25 रुपए की आती है। तो इस तरीके से इसे हम चिपकाएंगे, और जो जैसे हम जो ये ईंट टाइप से बना रहे हैं कुआं जैसा मतलब बन जाएगा, देखने में दूर से ऐसे लगेगा मतलब ईंट लगा रखी उस टाइप से, तो इसको थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, एकदम टच नहीं करना है। ये देखिए, और नीचे भी जैसे एकदम उसके नीचे सेम नहीं करना है, दो ईंटों के जैसे ईंट बना रहे दो ईंटों के बीच में से चिपकाना स्टार्ट करना है इस तरीके से, और फिर अच्छा भी लगेगा ये। और थोड़ा थोड़ा गैप करके इसी तरीके से ग्लू लगा लगा के इसे हम सारे पे चिपका लेंगे, आसानी से चिपक जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती चिपकने में। ये देखिए, और कहीं गैप नहीं लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं चाकू से हल्का सा कर दे रही हूँ। ये देखिए सारा चिपका लिया है, अब इसे हम ड्राई 2-3 घंटे होने के लिए रख देंगे। तो देखिए पूरा डब्बा मेरा ड्राई हो गया है। अभी मैंने एक्रेलिक कलर ले लिया ब्लैक कलर, और इसे मैं पेंट कर दूंगी। तो एक इस पे निकाले मैंने एक स्पंज ले लिया, उसकी सहायता से अच्छे से हो जाएगा। तो मैं पहले इसको सारा ब्लैक करूंगी स्पंज से, जो इसके बीच वाले गैप है इनको भी करेंगे, पहले ऊपर ऊपर से स्पंज से कर लेते हैं, एकदम एकदम ओरिजिनल जैसा लुक लगेगा स्पंज की सहायता से। ब्रश से क्या थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है। तो ये देखिए, अब जैसे जो बीच में गैप बचे हैं, तो मैंने एक छोटा ब्रश लिया है, खाली जो जगह थी इसको भी ब्लैक करना है। तो इस तरीके से छोटे ब्रश से कहीं भी जगह नहीं छोड़ूंगी, सारे जो भी खाली जगह है सभी को ब्लैक कर लूंगी, अच्छे से पेंट कर लूंगी। पतले ब्रश से क्या सारे इसके अंदर से जो हम ईंटे बना रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ये धीरे धीरे सारे को कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारा पेंट कर लिया है, अभी मैं इस पे अब दूसरा कलर करूंगी। तो मैंने एक्रेलिक कलर लिया है ऑरेंज, अब इससे क्योंकि डायरेक्ट मैं इसमें मतलब ईंट का कलर ब्राउन होता है, लेकिन ये ब्लैक के ऊपर डायरेक्ट ब्राउन करूंगी तो उतना मतलब कलर और ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो ये फॉर्म की सहायता सिर्फ ईंटों के ऊपर करना है, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा भी नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा 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 जो मैंने ईंट बना रखी इन्हीं के ऊपर करूंगी। तो ये देखिए बहुत ज्यादा उससे नहीं किया है, ये थोड़ा 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 मतलब लगाया है मैंने। अब इसके ऊपर फिर अभी मैं दूसरा कलर करूंगी, ये देखिए ये वाला कलर है, जिससे क्या ईंट का कलर होता है उस टाइप से ही आएगा। और स्पंज से फिर इसको धीरे 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 हम इस तरीके से कर लेंगे, बस ईंट ईंट के ऊपर करना है, और कहीं बीच में कहीं लग भी जाएगा जैसे साइडों में तो दोबारा से हम करेंगे उसको ब्लैक को थोड़ा जहां भी अगर लग जाएगा, लेकिन ध्यान से हम इसको ईंट के ऊपर ऊपर स्पंज की सहायता से करेंगे। इससे क्या स्पंज से एकदम नेचुरल लगेगा कि ये ईंट ही है उस तरीके से लगेगा। तो ये देखिए मैंने सारा कर लिया है ब्राउन कलर, जो ब्राउन सॉरी ये जो ईंट के जैसा है कलर, डार्क गहरा ऑरेंज जैसा है मतलब। अब मैं जो बची है थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं लग गया है थोड़ा थोड़ा कलर मेरा हल्का सा ये ऑरेंज वाला था, तो इस कलर को थोड़ा सा पेंट कर देंगे जहां जहां लगा है, और बीच में जो भी गैप कहीं पे टच हो गया था तो उसको पूरा गैप को भर देंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया बन गया ये। तो ये देखिए हमारा प्लांटर एकदम बन के तैयार हो गया है, और कितना अच्छा बना है, और ड्राई हो गया है पूरा, पेंट वगैरह करके मैंने एकदम सूख गया है। देखिए अभी इसको आप मतलब किचन में भी यूज कर सकते हो, कुछ अपने चम्मच वगैरह या चाकू वगैरह डाल के, या फिर इसमें प्लांट कोई भी लगा सकते हो, मिट्टी डाल के भी लगा सकते हो, या फिर मिट्टी डाल के लगाओगे तो नीचे थोड़ा होल करके लगाना पड़ेगा, अगर पानी में लगाना है तो पानी में भी डाल के मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हो, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, मतलब ईंट के इसका मैंने आकार दिया इस पे ईंट के जैसा। तो इस तरीके से आप एक DIY तैयार हो जाता है। तो देखिए एकदम तैयार हो गया। अभी इसमें हम क्या करेंगे, एक मैंने दही का खाली वो ले लिया डब्बा, इसमें पानी डाल देंगे, और कुछ मैंने मनी प्लांट की टहनी तोड़ ली थी, और इन्हें हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे।
तो आप इस तरीके से भी इसे यूज कर सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए। आप डायरेक्ट भी पानी डाल सकते हैं इसमें, अगर ये मैंने दही वाला प्लास्टिक का मग लिया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। तो इस तरीके की मेरी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।